कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में, और जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि जून से सितंबर तक देश में अच्छा मॉनसून रह सकता है। इसका जाहिर सी बात है असर बाजारों पर भी पड़ेगा, फसलों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। विस्तार से इस खबर के बारे में बात करते हैं। तो भीषण गर्मी की शुरुआत के बीच मॉनसून को लेकर इस वक्त समाचार सामने आया है। स्काई मेट वेदर ने इस साल भारत में जून से लेकर सितंबर तक सामान्य मॉनसून रहने की भविष्यवाणी कर दी है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होने की भविष्यवाणी भी करी गई है। वहीं बिहार पश्चिम बंगाल में जुलाई और अगस्त में बारिश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। स्काई मेट वेदर ने भारत के दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी करी है। स्काई मेट ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस साल मॉनसून आने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की वर्षा अधिकतर क्षेत्रों में पर्याप्त हो सकती है। हालांकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पर्याप्त वर्षा होने की भी आशंकाएं सामने आ रही है। भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो इस पूर्वी राज्यों को जुलाई और अगस्त जैसे चरम मॉनसून महीनों के दौरान भी वर्षा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में सीजन के शुरुआती छमाही के दौरान औसत से कम बारिश होने का अनुमान नजर आ रहा है। जिन क्षेत्रों में अधिक गर्मी देखने को मिल सकती है उनमें उड़ीसा, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायल सीमा और तेलंगाना जैसे जो क्षेत्र है वो शामिल है, और जहाँ पर पर्याप्त आपको जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, जहाँ अच्छा मानसून हो सकता है देश में, वहां पर आपको फसलों पर काफी हद तक आपको असर देखने को मिल सकता है, जिसका पूरा पूरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड पर पड़ेगा। तो मार्केट में तेजी या मंदी मॉनसून पर काफी हद तक आने वाले टाइम में निर्भर कर सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।